नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। देश को बचा लो माय लॉर्ड, आखिर क्यों बंगाल की मुख्यमंत्री ने सीजीआई चंद्रचूड से यह गुहार लगाई है? क्यों देश को खतरे में बता रही हैं ममता बनर्जी? आखिर ऐसा क्या हुआ है देश में या फिर होने जा रहा है? अक्सर सीजीआई चंद्रचूड किसी न किसी मुद्दे पर संज्ञान लेते रहते हैं। जब दो महिलाओं का वीडियो मणिपुर से सामने आया तो उस पर सीजीआई चंद्रचूड ने केंद्र सरकार को चेतावनी दे डाली और कहा कि या तो केंद्र सरकार इस पर फैसला ले या फिर हम इस पर फैसला लेते हैं। अब ममता बनर्जी ने एक ऐसे ही मुद्दे का विरोध किया है जो उनके पद को लेकर है। केंद्र सरकार सीईसी बिल यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल को लेकर आई है। यह बिल मुख्य चुनाव आयोग से जुड़ा है। इस बिल के पास होने से मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयोग होने से सीजीआई को पैनल से बाहर करने का प्रावधान लाया गया है। इस बिल को लेकर अधिकतर विपक्ष पार्टियों में विरोध देखा गया है। इस कड़ी में ममता बनर्जी ने इस बिल का विरोध किया और कहा कि सीजीआई एक अहम भूमिका में है, इसीलिए सीईसी बिल पैनल से सीजीआई को हटाकर उसकी जगह कैबिनेट मंत्री को रखा जाए। सीजीआई की नियुक्ति से बीजेपी सरकार में डर देखने को मिल रहा है। कोई बीजेपी को लग रहा है कि सीजीआई के कारण उनकी वोटों का नुकसान हो रहा है, इसीलिए चंद्रचूड से ममता बनर्जी ने गुहार लगाई है कि इस देश को बचा लो माय लॉर्ड। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर इस बिल पर क्यों इतना विरोध हो रहा है? यदि सीजीआई को पैनल से बाहर कर दिया तो सभी फैसले केंद्र सरकार को लेने होंगे। अब ममता बनर्जी का कहना है कि यदि सभी फैसले केंद्र सरकार ही लेगी तो निष्पक्षता कहाँ रह जाएगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सीजीआई को पैनल से बाहर करना सही रहेगा या नहीं? इस मुद्दे पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।